डियर स्टूडेंट्स, आज चैप्टर नंबर 1 फार्माकोलॉजी का पढ़ेंगे। ये इंट्रोडक्शन पोर्शन है, इंट्रोडक्शन एंड स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। इसमें हम लोग डिफिनेशंस पढ़ेंगे कि व्हाट इज फार्माकोलॉजी, व्हाट इज ड्रग। इसके अलावा मेन डिवीजन ऑफ फार्माकोलॉजी लाइक फार्माकोकाइनेटिक, फार्माकोडायनेमिक। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट डिफिनेशन जो कि फार्माकोलॉजी है। फार्माकोलॉजी इज अ साइंस that deals with the effect of drugs on living system। इसमें आपको बताना है कि फार्माकोलॉजी एक साइंस है जो कि डील करती है ड्रग का इफेक्ट ऑन लिविंग सिस्टम पे। या हम अगर इसकी दूसरी डेफिनेशन की बात करते हैं तो बोला कि फार्माकोलॉजी इज अ साइंस दैट डील्स विद द ड्रग्स। वो डील कर रही है, फार्माकोलॉजी जो कि डील कर रही है ड्रग के इफेक्ट्स को। इट इंक्लूड्स, ये इसमें शामिल है, इंक्लूड किया गया है हिस्ट्री, उस ड्रग की हिस्ट्री, उस ड्रग का फार्माकोलॉजिकल एक्शन, उस ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, फार्माकोकाइनेटिक, फार्माकोडायनेमिक। फार्माकोकाइनेटिक की बात करेंगे तो एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। फार्माकोडायनेमिक की अगर हम बात करते हैं तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड यूजेस की बात करेंगे, एडीआर की बात करेंगे। तो आप कह सकते हैं फार्माकोलॉजी इज अ साइंस दैट डील्स विद ड्रग्स, और इसमें इंक्लूड हो रहा है उस ड्रग की हिस्ट्री, उस ड्रग की प्रॉपर्टीज, उस ड्रग का फिजियोलॉजिकल एक्शन, उस ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, उस ड्रग का एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। दैट इज नोन एज फार्माकोलॉजी। सेकेंड डेफिनेशन है कि व्हाट इज ड्रग। तो ड्रग इज एनी सब्सटेंस दैट इज यूज्ड टू क्योर, प्रिवेंट एंड डायग्नोज द डिजीज। ड्रग कुछ भी हो सकती है, एनी सब्सटेंस हो सकती है जो कि यूज की जा रही है क्योर करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए, बचाने के लिए हमको, एंड डायग्नोज द डिजीज, किसी भी बीमारी को डायग्नोज करने के लिए हम जो भी ड्रग्स यूज करते हैं, जो भी सब्सटेंस यूज करते हैं उसको हम ड्रग कहते हैं। अगर हम अकॉर्डिंग टू WHO ड्रग की डेफिनेशन आपको बताएं तो ड्रग इज एनी सब्सटेंस और प्रोडक्ट, कोई भी सब्सटेंस हो या प्रोडक्ट हो, दैट इज यूज्ड टू मॉडिफाई, जो कि यूज किया जा रहा है कि मॉडिफाई करे फिजियोलॉजिकल सिस्टम को और पैथोलॉजिकल स्टेट को फॉर द बेनिफिट ऑफ रेसिपिएंट और फॉर द बेनिफिट ऑफ पेशेंट। तो इट मीन्स आप कहेंगे कि अकॉर्डिंग टू WHO कि ड्रग एनी सब्सटेंस है, कोई भी चीज है या कोई भी प्रोडक्ट है जो कि यूज किया जा रहा है फिजियोलॉजिकल मॉडिफिकेशन के लिए, हमारी बॉडी का फिजियोलॉजिकल मॉडिफिकेशन के लिए, या पैथोलॉजिकल स्टेट हो गया, कोई भी बीमारी हो गई है उसको क्योर करने के लिए, और ये बेनिफिट मिले रेसिपिएंट को या उस पेशेंट को, दैट इज नोन एज ड्रग। मेन डिवीजन ऑफ फार्माकोलॉजी, फार्माकोलॉजी के जो मेन डिवीजन है फार्माकोडायनेमिक्स, फार्माकोकाइनेटिक्स, थेरापूटिक, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी, कीमोथेरेपी एंड टॉक्सिकोलॉजी। दीज आर द मेन डिवीजन ऑफ फार्माकोलॉजी। इसको वन बाय वन समझते हैं। अगर हम फार्माकोकाइनेटिक की बात करते हैं तो इट मीन्स मूवमेंट ऑफ अ ड्रग विद इन द बॉडी। जो ड्रग का मूवमेंट है हमारी बॉडी के अंदर उसको हम लोग फार्माकोकाइनेटिक बोलते हैं। फार्माकोन मीन्स होता है ड्रग, काइनेसिस मीन होता है मूवमेंट। तो इट मीन्स द मूवमेंट ऑफ ड्रग विद इन द बॉडी। इट इंक्लूड्स एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। इसीलिए फार्माकोकाइनेटिक में हम स्टडी करते हैं ADME की, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। इट मीन्स यू कैन से व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग, हमारी बॉडी ड्रग के साथ क्या कर रही है। तो आप कहते हैं सर हमारी बॉडी ड्रग का एब्जॉर्प्शन कर रही है, हमारी बॉडी ड्रग को डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, हमारी बॉडी ड्रग का मेटाबॉलिज्म कर रही है, और लास्ट में हमारी बॉडी ड्रग को एलिमिनेट कर रही है। दैट मीन्स ADME, इट इज फार्माकोकाइनेटिक। सेकेंड है फार्माकोडायनेमिक, इट मीन्स स्टडी ऑफ ड्रग, देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, फार्माकोलॉजिकल एक्शन एंड देयर एडवर्स इफेक्ट्स। फार्माकोडायनेमिक में हम पढ़ते हैं ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन,
उस ड्रग का फार्माकोलॉजिकल एक्शन, उस ड्रग का यूज, उस ड्रग का एडवर्स इफेक्ट्स। इट मींस वो हमारे बॉडी के किस किस सिस्टम पे रिस्पॉन्स शो कर रही है। जैसे कि एक ड्रग की हम बात करते हैं एड्रेनलिन, वो एड्रेनलिन हमारी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे भी एक्ट कर रही है, हमारी स्मूथ मसल्स पे भी एक्ट कर रही है, हमारी ब्लड वेसल्स पे भी एक्ट कर रही है। तो ये हुआ फार्माकोलॉजिकल एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की अगर हम बात करते हैं तो वो ड्रग किस रिसेप्टर पे बाइंड कर रही है और क्या रिस्पॉन्स शो कर रही है। जैसे कि हम एड्रेनलिन की अगर बात करते हैं तो ये बीटा वन रिसेप्टर पे एक्ट करेगी, तो ये हमारे कार्डियक की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ाती है और उसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ता है। दैट मीन्स ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है किसका, एड्रेनलिन का। आप बोलेंगे बीटा वन रिसेप्टर पे एक्ट कर रही है और कार्डियक की कॉन्ट्रैक्टिलिटी फोर्स को बढ़ा रही है जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट आप बोलेंगे इट मीन्स व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी। इट मीन्स आप कह रहे हैं कि जो ड्रग हमने खाई है अब वो ड्रग हमारी बॉडी के साथ क्या कर रही है, हमारी बॉडी के साथ क्या कर रही है, फार्माकोलॉजिकल एक्शन दे रही है, हमारी बॉडी में एडीआर दे रही है। दैट मीन्स इट इज अ फार्माकोडायनेमिक। नेक्स्ट है थेराप्यूटिक्स की अगर हम बात करते हैं, इट इज द एस्पेक्ट्स ऑफ मेडिसिन। ये मेडिसिन के एस्पेक्ट्स है जो कि कंसर्न है विद द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। किसी भी डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए हम अगर कोई मेडिसिन यूज करते हैं दैट इज द एस्पेक्ट्स ऑफ थेराप्यूटिक्स, या उस थेराप्यूटिक्स का एस्पेक्ट्स है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम फीवर की कंडीशन में पैरासीटामोल 500 mg यूज कर रहे हैं और उस 500 mg से हमारे फीवर कम हो जा रहा है, इट मींस वो 500 mg जो है थेराप्यूटिक डोज है और जो ट्रीटमेंट किया हमने उस ड्रग से पैरासीटामोल से दैट इज नोन एज थेराप्यूटिक्स। नेक्स्ट है क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। अगर हम क्लिनिकल फार्माकोलॉजी की बात करते हैं और फार्माकोलॉजी दोनों में देखिए डिफरेंस क्या है। फार्माकोलॉजी इज अ साइंस दैट डील्स विद ड्रग्स। फार्माकोलॉजी एक साइंस है जो कि डील कर रही ड्रग्स की, लेकिन क्लिनिकल फार्माकोलॉजी में दो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसमें भी हम डील करते हैं ड्रग्स के, लेकिन हम जो ड्रग की डीलिंग हो रही है वो डिपेंड कर रही है उस ड्रग की इफिकेसी एज वेल एज सेफ्टी। अगर वो ड्रग इफिकेशियस है और सेफ्टी नहीं है तो भी वो ड्रग मार्केट से विड्रॉ की जाएगी। जैसे कि निमोसलाइड जो कि आज की डेट में बैन की जा चुकी है क्योंकि वो एडीआर था, किडनी को डैमेज कर रही थी। तो इन क्लिनिकल फार्माकोलॉजी इट इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ ड्रग। आप बोलते हैं कि ये साइंटिफिक स्टडी ऑफ ड्रग है जो कि यूज की जा रही था। इफिकेसी एंड सेफ्टी ऑफ ड्रग इज स्टडीड, उसको हम स्टडी करते हैं इन पेशेंट एज वेल एज हेल्दी वॉलेंटियर्स। हेल्दी वॉलेंटियर्स में भी और पेशेंट में भी हम उस ड्रग की सेफ्टी और इफिकेसी को स्टडी करते हैं। दैट इज नोन एज क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। नेक्स्ट है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी की अगर हम बात करते हैं तो इट मीन्स इट डील्स विद द ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज और कैंसर सेल। इसमें हम इन्फेक्शियस डिजीज का ट्रीटमेंट करते हैं और कैंसर सेल का ट्रीटमेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ केमिकल कंपाउंड्स, दैट इज नोन एज कीमोथेरेपी। टॉक्सिकोलॉजी, अगर हम टॉक्सिकोलॉजी की बात करते हैं, लॉजी मीन्स स्टडी, टॉक्सिसिटी की स्टडी को टॉक्सिकोलॉजी बोल रहे हैं। इट इज द स्टडी ऑफ पॉइजन्स, देयर एक्शन, डिटेक्शन, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजनिंग इज नोन एज टॉक्सिकोलॉजी। दिस इज ऑल अबाउट फॉर चैप्टर नंबर 1।